ये हमारा नया फैमिली मेंबर, अभी देखते हैं इसकी दीदी का रिएक्शन। मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने ऐसे उधर रजाई रख दी है, इधर सारे कुशन्स रखा है खाना, क्या पता ये ऐसे खा ले। इसमें देने वाली हूँ, इसमें पीछे पूरी डिटेल लिखी होती है कि अब हम अपने बेबी का वेलकम करेंगे क्योंकि ये हमारा। तो गाइस व्लॉग स्टार्ट करते हैं, नया फैमिली मेंबर, अभी देखते हैं इसकी दीदी का रिएक्शन। ले आओ भैया। हाँ बेबू बैठा ले सोफे पे। हाँ सोफे पे बैठा। डर रहे डर रहे, बैठ जा, गिर गया था अभी, बैठ जा बैठ जा। वो गिर गया था एक अभी वहां पे। तो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर बेबी। मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया है आज और वो एक क्यूट सा बेबी लेकर आए हैं और इसके साथ ही उसका सारा खाना, क्योंकि वो ये थोड़ा सा वीक है क्योंकि अभी सिर्फ 45 डेज का है, तो इसीलिए उसका सप्लीमेंट, उसका दूध में डालने वाला सेरेलैक्स, ये वो सब कुछ है। उसका पानी मैंने अभी से पिलाया, मैं कैप्चर करना भूल गई, उसको पानी पीना भी नहीं आता बब्बू को। छोनी तो मेरे लिए तो बिल्कुल सरप्राइज था ये, और आज मैं फर्स्ट टाइम इसका खाना प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आज से मैं इसकी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। और अभी तक मैंने कोई भी नाम नहीं सोचा है इसका, मेल बच्चा है ये, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज कुछ अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट नेम सजेस्ट कीजिएगा। और चलिए अब मैं इसका खाना प्रिपेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेरेलैक्स में देने वाली हूँ, इसमें पीछे पूरी डिटेल लिखी होती है कितना वेट है कितना एज है, उस हिसाब से इसको देना होता है। वैसा ही मैं दूंगी, ये मदर मिल्क का काम करता है, प्लस ये रॉयल कैनन देते हैं छोटे पपीज को, तो ये भी दूंगी। दिन में 4 बार देने के लिए डॉक्टर ने बताया है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी बाबू बहुत छोटा है हमारा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो पहले मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर देती हूँ इसका। लूक वार्म करना है इसमें, हर 3-4 आवर्स के गैप पे देना है, 10 वीक ऑफ एज तक देना है। जब तक ये 10 हफ्ते का नहीं हो जाता तब तक हम इसको ये देंगे पानी में डाल के लूक वार्म वाटर में। और मेरी इस जर्नी में आप मेरे साथ रहिएगा। और जितने ये पानी गर्म हो रहा है और हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं उतने मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जब ये लेने गए उन्होंने मुझे ये बताया, आपने देखा होगा, मैं एक क्लिप ऐड में करूँगी इसमें, जिसमें जब मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज दे रहे हैं तो वो थोड़े बोल रहे हैं कि ध्यान से ये वो और ये गिर ना जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया था। ये दो भाई थे, दो पप्स थे, और जो भैया थे जिस शॉप से हमने ये लिया है उनके हाथ से एक पपी गिर गया और वहाँ पे बहुत हंगामा हो गया, बहुत ज़्यादा सीन हो गया था वहाँ पर, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड डर गए और उन्होंने बोला कि भाई ध्यान से ध्यान से। ओके, इसके साथ स्कूप भी मिला है, ऐसे पैकेजिंग में है ये, खोलते ही ना वो दूध वाला ही जैसे छोटे बेबीज का होता है वैसा स्मेल आया। ठीक है, मैं चम्मच क्यों ले रही हूँ, उसमें स्कूप है। तो खाना पूरा मैंने बना लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको मैं अभी चम्मच से सही कर दूंगी क्योंकि पानी लूक वार्म हो गया है, तो ये परफेक्ट है। और चलिए अब मैं अपनी छोटी बेबी को दूंगी और देखती हूँ क्या कर रहा है वो, क्योंकि मैं उसको घर में बिठाई आई थी क्योंकि वो बहुत छोटा है, लिटरली मेरे हाथ जितना है। ओ, ये तो सो गया। सी गाइस, ये सो गया है, लगता है इससे भूख का वेट नहीं हुआ। बाबू बस हो ना, मेरी छोटी छोटी बच्ची, आओ खाना खाएंगे, आओ छोनी आओ। एक तो ये इतना छोटा है ना, आ जाओ बेटी आ जाओ, खाना खाएंगे, खाना खाना खा लो, खाओ। हाँ लगता है इसको पसंद आया। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, देखो गाइस इसको बहुत जोर से भूख लग रही थी मेरी बब्बू को। हाँ देखो कितने प्यार से और इतनी जल्दी जल्दी खा रहा है, लगता है बहुत जोर से भूख लगी थी बच्चे को। तो बब्बू को खाना खाने देते हैं और मैं आपसे अभी मिलती हूँ थोड़ी देर। तो ये बब्बू ने खाना खा लिया है और ये देखो कितना पसंद आया इनको खाना, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया है खाना आधे से ज्यादा, बट कोई बात नहीं, जितना बब्बी ने खाया है उतना अच्छा है। अब हम इनका थोड़ा सा मुंह साफ कर देंगे क्योंकि अभी अभी अपनी फैमिली से अलग हुआ है ना। ये देखो कितने क्यूट है ये। तो अब अभी इसको हम इसके घर में सुला देते हैं, ठीक है, और फिर 2 घंटे बाद इसको थोड़ा सा खाना और देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ बब्बू का घर, और इसका टी शर्ट मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है सुसु पॉटी के लिए, ठीक है ना। ये बस बेटा बस खा लिया, कितना करोगे, रुको मैं आपको दिखाती हूँ उसका घर। देखो और ये देखो इतना सारा खाना सर ने छोड़ दिया है, अब मैं इनको इसके घर में रख देती हूँ। और ये देखो इसको, मुझे लग रहा है इसको टी शर्ट बड़ी है, अभी इसका एडजस्ट करती हूँ मैं ये पूरा।
लेकिन हम इसको शुरू से ना इसके घर में रहने की आदत डालने की कोशिश करेंगे पूरी, बाकी तो हमारा बेबी जैसे रहना चाहे वैसे। हाँ बच्ची, बारह नहीं है, बाहर आना है। अच्छा जी ओके, एनर्जी फुल है, खाना खा के एनर्जी फुल है बब्बू की। ये देखो ये अभी ना थोड़ा डर रहा है, क्या हो गया क्या हो गया, लगता है इसको सुसू पॉटी कुछ आया है। हाँ ओहो, फर्स्ट टाइम इसने अपनी बॉडी जट फिर से गाना गा लगता है। हाँ ये देखो खाना खाते हुए अपने दो पैरों पे खड़ा हो जा रहा है। फर्स्ट डे अभी एक घंटा हुआ है इसको हमारे घर में आए हुए बस, और इसको ना थोड़ा एक्सप्लोर करना है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी जब आया था तब तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बट अब मुझे लग रहा है कि एक्सप्लोर करना है सर को। देखो इधर देखो, आओ 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 बच्ची आओ। अरे ये बैक गियर में क्यों चल रहा है भाई? ओह छोटा बच्चा, ये देखो इसे घूम फिर के वहीं जाना है भैया, खाने के पास ही जाना है सर को। इधर आओ 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 बाबू। इसको उतना ही रास्ता समझ आया है अभी। ये देखो चले सर कुछ देखने जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो? लगता है शुशु करेगी, लगता है सुसु आया है बेबी को, और लगता है चुचू कर रही है। हाँ सुसु गई है मॉम। गाइस ये देखो कितना छोटा सा सुसु है भाई। देखिए हमने इसको सोफे पे बिठाया और इसको सोफा बहुत पसंद आया, तो मैंने ना ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने ऐसे उधर रजाई रख दी है, इधर सारे कुशन रख दिए हैं ताकि ये इजिली खेल पाए, क्योंकि बहुत छोटा बाबू है ये, डर भी लगता है। ये देखो शोनी को बहुत अच्छी लगी है सोफा। हाँ 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 और टी शर्ट उतारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ये देखो जी, ये देखो चला भी नहीं जा रहा है, इससे छोटी टी शर्ट भी नहीं थी, ये इतना छोटा बाबू है। आओ छोना छोनी, हेलो हेलो बेबी, हाँ जी हेलो। अब हम अपने बेबी का वेलकम करेंगे, क्योंकि जब मेरे को मेरे हस्बैंड ने दिया था तब तो सरप्राइज था, तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड और इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैं नहीं वेलकम कर पाई, बट लेकिन अब उसको दो घंटे हो गए हैं घर में आए हुए, अब हम उसका वेलकम करेंगे। हमें नहीं पता वो कब बॉर्न हुआ था, लोगों ने बोला मतलब जिनसे मेरे हस्बैंड ने लिया उन्होंने बोला 45 days 50 days, हमें नहीं पता। हमारे आज 1st February है, हमारे लिए वो आज ही बॉर्न हुआ है, तो आज से हम हर साल 1st February को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एंड हम अब इसका वेलकम करेंगे। सो या स्टार्ट करते हैं। मंदिर का दिया मैंने जला दिया है, पूजा मेरी डन हो गई है, और ये दिया जलाया है हमने अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करने के लिए, उसकी आरती उतारने के लिए, और चलिए शुरू करते हैं। वेलकम होम बेबी। अरे अरे कुछ खाने का नहीं है, कुछ खाने का नहीं है, और तो वेलकम हो गया है हमारे छोटे बेबी का, और अब मैं आपसे मिलूंगी इसके फर्स्ट वैक्सीनेशन व्लॉग में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्यूट सा नाम सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलना, और या अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक लव पीस एंड लिव, बाय बाय।